सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पर दशरथपुरवा गांव में जो मुंगोरा ग्राम पंचायत में आता है, कहने को तो ये 3 ग्राम पंचायतों में बंटा हुआ है, यहाँ पर सुबह से ही लोग मतदान नहीं कर रहे थे, वोट बहिष्कार कर रहे थे, क्योंकि लोगों की मांग थी कि उनके यहाँ गौशाला नहीं है जिससे अन्ना पशु उनकी फसलें चर जाते हैं, इसलिए वो वोट नहीं डाल रहे थे। मांगे थी गाँव की व्यवस्था की जाए, छुट्टा न घूमे, अस्थाई अस्थाई अड्डा बनाया जाए, मोहल्ले ने कह दिया कि अस्थाई अड्डा बनाया जाएगा। कितनी देर तक यहाँ पर नहीं पड़ा, बाधित रहा? 2 बजे तक बाधित रहा, 2-2.5 बजे तक। कई लोग जानवरों से परेशान हैं, फसल में बहुत नुकसान होती है, किसान लोग क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके वजह से कोई हम लोग हर जगह गए, हर जगह कंप्लेन किया, कोई अपनी सुनाई नहीं हुई, इसके लिए हमको ये गाँव में संगठन करना पड़ा। इसलिए नहीं पड़ रहे थे कि यहाँ जो गाय भैंसी हैं छुट्टा फिर रहे हैं, किसानों की फसल नष्ट कर रहे हैं, तो इसलिए चुनाव बहिष्कार कर रहे थे। इसलिए चुनाव बहिष्कार रहे थे काफी समय तक, यानी कि 2 बजे तक वोट बाधित रहा, तब जाकर पूरी प्रशासन यहां पर आई और आश्वासन दिया, इसके बाद वोट डालना शुरू हुआ है। देखिए, गांव वालों की मांग थी यहाँ गौशाला ना होने के कारण उनकी फसलें नष्ट होती हैं, इसके विरोध में उनके द्वारा ये कहा गया कि हम वोट नहीं डालेंगे। अभी CDO साहब, BDO साहब और मैं तीनों लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हमने ये आश्वासन दिया है और ये भरोसा दिलाते हैं कि हम अगले 7 दिन के अंदर अंदर अस्थायी गौशाला और भविष्य में स्थायी गौशाला का निर्माण करा देंगे। इसके बाद गांव वालों ने वोट डालना शुरू कर दिया है। आश्वासन मिला है जो है, कह रहे हैं कि व्यवस्था कराई जाएगी। तब आपने वोट डाला है? तब है वोट डालने जा रहा है। अन्ना पशुओं से हम आज 5 साल से परेशान हैं, SDM साहब के आने पर हम सभी लोगों ने वोट डालना शुरू कर दिया। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।